आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई बांग्लादेश में कौन से स्टूडेंट्स को आना चाहिए, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, उन्हीं को ही आना चाहिए क्या? मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो स्टूडेंट 3 से 4 घंटे हर रोज़ पढ़ सकता है और रोज़ एग्ज़ाम दे सकता है वही आना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ एग्ज़ाम होता है और इतना आसान नहीं है क्या। अगर आप सोचो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहा हूँ और आसान होगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप इतना टाइम दे सकते हो तो आप आ जाओ और आप सब कुछ क्लियर कर दोगे बहुत ईजी से। यार आज सो गया था, आज मैं कॉलेज से आके, आज मेरा प्लान था कि मैं रनिंग करूंगा या फिर साइकिलिंग करने जाऊंगा, लेकिन यार इतनी बाहर बारिश हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं भी अब कल जाऊंगा इस सुबह, पता नहीं अभी देखते हैं, अगर नहीं गया मैं बाहर तो आपको पता चल ही जाएगा। फाइनली आफ्टर 2 डेज आज मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने। आज तो नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है यार, इतने दिनों के बाद मैं बाहर निकला हुआ हूँ और ऊपर से वैसे मुझे अच्छा लगता है ज़्यादातर साइकिलिंग करना या फिर रनिंग करना। रनिंग करना मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि उसमें आप जगह जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है। साइकिलिंग में ऐसा होता है तुम जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ चलते रहते हो, जगह चेंज होती रहती है तो अलग मज़ा आता है। यह है व्यू अभी, अभी मैं जा रहा हूँ, एक मेन रोड है, स्ट्रेट रोड है, उस पर जा रहा हूँ और फिर वहाँ पर करेंगे साइकिलिंग। आज का मेरा टारगेट है अराउंड मिनिमम भी, मुझे अराउंड आज का टारगेट है मिनिमम 10 किलोमीटर में साइकिलिंग करना चाहता हूँ, फिर वापस घर जाऊंगा। यार ये रोड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और ऊपर से इस पे कोई रश नहीं होता है आजकल, फिर भी थोड़ी सी ट्रैफिक बढ़ गई है यहाँ पे, लेकिन पिछले दिनों में यहाँ पे कोई नहीं होता। जब भी मैं साइकिलिंग वगैरह करने आता हूँ मैं इसी रोड पे आता हूँ, क्योंकि एक तो स्ट्रेट है और जब सूरज डूब रहा होता है यहाँ पे बड़ा मजा आता है, सनसेट के टाइम बड़ा मजा आता है। तो आज तो वैसे बादल हैं, सनसेट तो दिखेगा नहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन यार तब भी व्यूज़ जो है ना, राइट लेफ्ट साइड खेत वगैरह हैं और रोड बड़ी प्यारी है यार, मज़ा आ रहा है। यार इस जगह के ना नज़ारे ही कुछ अलग हैं। अभी मैं थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर चलाया मैंने साइकिल, तो मैंने ऐसे ही साइड पे रोड के रोक के यहाँ पे फुटपाथ पे बैठ गया हूँ, आगे नज़ारे इतने अच्छे हैं और मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करते हैं बैठ के। मेरा मकसद होता है साइकिलिंग करने का कि हाँ अपने एरिया से या अपने हॉस्टल से सिटी के बीच से थोड़ा सा बाहर होके थोड़ा सा बाहर की हवा लगाओ, थोड़ा सा पीसफुल जगह पर जाओ, एक अकेली सी जगह पर जाके बैठे बंदा आराम से थोड़ा सा चिल करे। अभी निकलते हैं यहाँ से और अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या होता है देखते हैं। अभी वैसे थोड़े से बादल चढ़ रहे हैं, कहीं बारिश ना स्टार्ट हो जाए और मैं गीला ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं अभी हॉस्टल से काफ़ी दूर आ गया हूँ और मेरे पीछे सनसेट हो रहा है। अभी मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर उसके बाद वापस इसी डायरेक्शन पर वापस भी आऊँगा, लेकिन पहले आगे चलते हैं। यहाँ से थोड़ी सी रोड ख़राब आ गई और ऊपर से बारिश भी आ गई है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि बारिश आ रही है। अभी बांग्लादेश का वेदर ना काफ़ी प्लेजेंट हो गया है, दिन को थोड़ी सी गर्मी होती है लेकिन बाकी रात को और शाम को सुबह गर्मी नहीं होती है। अभी दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिल रही है और बारिश स्टार्ट होने लग गई है, थोड़ी तेज़ बारिश आ रही है। अब मैं वही सोच रहा हूँ, राइट लेफ्ट देख रहा हूँ कहाँ पर रुकूँगा अगर बारिश आ गई। हाँ मज़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन बारिश स्टार्ट हो रही है यार, बारिश तो स्टार्ट हो गई है। अभी बस कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी किसी जगह पर पहुँच जाऊँ जहाँ पर अपने आप को बचा सकूँ, बिगड़ा नहीं चाहता भाई अभी, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है और ऊपर से बारिश भी हो रही है और साइकिलिंग का अलग ही मज़ा है। हाँ अभी यहाँ पे अपहिल भी आएगा, सामने अपहिल आएगा। हमारे उधर तो भाई कहीं पे भी निकलो अगर रोड पे आओगे तो अपहिल डाउनहिल चलता ही रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा भी अपहिल आएगा तो वो फील होता है कि हाँ यार यहाँ पर अपहिल है, क्योंकि सब कुछ प्लेन ही होता है यहाँ पर, इसलिए थोड़ा सा भी अपहिल होता है तो महसूस होता है, फील होता है, टांगों पे जोर पड़ता है ना जब टांगों पे, तब पता चल जाता है सामने अपहिल है। अभी अपहिल स्टार्ट होगी यहाँ से, कोई
200 मीटर दूरी पे अपहिल स्टार्ट होगी, फिर एक उसके सामने ब्रिज आता है, उसके ऊपर से अलग ही व्यू आता है और रिक्शे वाले सारे मेरे को ओवरटेक करते जा रहे हैं। अब क्या करूं, अभी मैं तेज चलाऊं तो फिर विंड नॉइज आएगी। देखो यहाँ पे कुछ बेच भी रही है आंटी, क्योंकि अब जो लोग आते हैं जलपूड़ी शायद से बेच रहे हैं, जल क्या बोलते हैं, जलपूड़ी, जलपूरी, भुजिया ऐसा कुछ होता है वो बेच रहे हैं। भाई मैं अभी साइकिलिंग कर ही रहा था कि हमारे साथ एक भाई जुड़ते हैं, पीछे से आते हैं, अहमद तहजीज भाई मैं आपके व्लॉग देखता हूँ। तो मैंने कहा अभी मैं शूट ही कर रहा था, मैंने कहा इनको भी अभी व्लॉग में लेते हैं। चलो भाई आप सबका प्यार है, अभी हम 10K भी हो गए हैं, अभी ऐसे ही रहे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने आपके एक पहले व्लॉग देखा था इसी रोड में, इसी रोड पे, हाँ इसी रोड पे मैं आया था लास्ट टाइम, मैंने इस पे कमेंट किया था। अच्छा ये है जी, यहाँ से अपहिल स्टार्ट होती है तो ये सारी अपहिल जाती है फिर ब्रिज तक। ये इतना कोई बड़ा अपहिल तो है नहीं, लेकिन जैसे हमारे उधर होता है भाई बिल्कुल खली खली चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं वो सीन होता है, यहाँ पे तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इस रोड को क्या कहते हैं? ये एक छोटा सा फ्लाईओवर है ना, ये वाली जो रोड है इसको क्या कहते हैं? बुधपाड़ा फ्लाईओवर। बुधपाड़ा फ्लाईओवर ये तो है। हाँ ओ टांगू पे लग रहा है भाई जोर अभी काफी। इस ब्रिज के ऊपर तो काफी लोग बैठते हैं आके वहां से नजारे देखते हैं और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो रही है। बहुत से लोग घूमने आते हैं जी सिटी के अंदर से, बहुत से लोग। हाँ वही, मैं भी तो अंदर से ही आया हूँ अभी। हाँ। क्योंकि अंदर तो मुझे मजा आता नहीं है जितना, ये थोड़ा सा सिटी के बाहर आके फिर साइकिलिंग करो तभी मजा आता है। हाँ। या रनिंग करो तो, इसीलिए मैं भी बाहर आया, बारिश भी तेज हो गई है। अभी आ गए जी ब्रिज पे, नीचे से ट्रेन की पटरी जाती है और जब ये बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं ना पूरा ब्रिज हिल रहा है, उस साइड पे सनसेट हो रहा है। अब जब हम छोटे होते थे ना, मुझे तो पता नहीं होता था कि कहीं पे दुनिया में प्लेन इलाके भी होते हैं कि नहीं, मेरी नज़र में तो सब कुछ पहाड़ी पहाड़ी होता था। तो कहते थे यार कि ये प्लेन इलाकों में ट्रेन चलती है, हम बुक्स में पढ़ते थे नर्सरी या फर्स्ट सेकेंड में कि ट्रेन ट्रेन चलती है, मैं तो कभी बैठा हुआ नहीं था। तो मैं सोचता था यार पता नहीं पहाड़ों पे कैसे चढ़ती होगी, इतनी लंबी होती है ट्रेन, जैसे अब बुक्स वगैरह में होता था फोटो बने होते थे कि काफ़ी लंबी लंबी होती है, यार इतनी लंबी कैसे चढ़ती होगी, ये मोड़ कैसे काटती होगी, क्योंकि टर्न्स होते हैं हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा टर्न्स होते हैं, कैसे काटती होगी यार, ये बड़ी कन्फ्यूजन होती थी। अगर स्ट्रेट इसी पर जाएंगे तो ये मेरे हॉस्टल के बस पास से ही निकलेगी और वहाँ पर स्ट्रेट सनसेट भी हो रहा है सामने, यार बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे मुझे अभी ना इस साइड पर आना नहीं था, लेकिन मैं अभी आ रहा हूँ कि यार इस साइड भी डाउनहिल है, उस साइड दूसरी अपोजिट साइड भी डाउनहिल है, उस साइड तो मुझे वापस घर जाना है। इस साइड से भी जा सकता हूँ लेकिन इस साइड से जाऊंगा नहीं, क्योंकि इस पे हाईवे पड़ती है, उस पे काफी ज्यादा ट्रैफिक होती है, इस वजह से इस साइड से जाऊंगा नहीं, वापस उसी साइड से जाऊंगा जिस साइड से आया हूँ। लेकिन अब डाउनहिल देख के मन करता है कि यार चलते हैं थोड़ा सा डाउनहिल के मजे लेते हैं, बिना पैडल मार के आराम से निकलते हैं जाते हैं आगे थोड़ा सा, लेकिन अब वही बारी भी पड़ेंगे। हमारे जैसे वहां पे होता था, हम साइकिलिंग करने जाते थे, हम तो पहले थोड़ा सा अपहिल करके काफ़ी दूर तक जाते थे, उसके बाद अपहिल करने में मिनिमम भी एक घंटा अगर लगेगा, डाउनहिल में उसी रोड को आपको 20 मिनट में आप कवर कर देते थे। वैसे यहाँ पे गन्ने वगैरह का जूस मिलता था, मैं अभी वैसे वो भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। गन्ने का जूस मिल जाता अलग मज़ा आता है यार, वो भी हाईवे पर आके ना वो पीने का अलग ही मज़ा होता है। अभी यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं। ओह मेरे तो आज लेग्स बनेगी, लेग्स का वर्कआउट हो रहा है। देखिए यार ये कितनी हट्स प्यारी लग, ये वाली हट जो है जबरदस्त लग रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये जल्द ही रेस्टोरेंट बनेगा कोई। बांग्लादेश में कुछ भी ना हो, अगर आपके पास पैसा है रेस्टोरेंट का बिजनेस खोलो, सक्सेसफुल हो। बड़े लोग आते ना यार, ये तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है, ये हिल स्टेशन है यहाँ पे समझ लो, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ से फिर अब डाउनहिल स्टार्ट होता है, बस पूरी रोड का बस यही मज़ा था, दो डाउनहिल मिले जहाँ पे पैडल नहीं मारने पड़ रहे, क्या मज़ा है बिना पैडल मारे साइकिल चलती रहे, अलग ही मज़ा आता है। बाइक वगैरह पे मज़ा नहीं आता वो वाला,
जो आप पैडल मार मार के थक जाते हो, उसके बाद जब आप थके होते हो और फिर साइकिल खुद भागती है, उसका अलग ही मजा है। चाय वगैरह मिलती है? चाय वैसे मेरा पीने का मन है, अगर जूस ना मिला, गन्ने का जूस ना मिला तो चाय पियेंगे जी। पबजी चल रही है देखो, कोतो किल हो इसे भाई। बस यहाँ तक था, अब दोबारा से पैडल मारने पड़ेंगे। ये फर्क है ना साइकिलिंग और रनिंग में। रनिंग भी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन साइकिलिंग में ऐसा होता है कि आप इजीली मतलब काफ़ी एरिया कवर करते हो और अच्छी जगह देखने को मिलती हैं। रनिंग में ऐसा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भागोगे और उसके बाद वापस घर आना पड़ेगा, उसके भी अलग मज़े हैं। अभी यहाँ पे इस रोड पे वैसे मैंने रनिंग भी की हुई है, अराउंड 10 किलोमीटर का ये रोड है, 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना। लेकिन जब शाम को घर गया था मेरे पाँव में छाले चढ़ गए थे। अभी मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं और मेरा कज़न, हम तो सुबह सुबह मस्जिद में कुरान पाक वगैरह पढ़ने के लिए जाते थे, और वहाँ पे हमारे एक मौलवी साहब होते थे, उनकी साइकिल होती थी, वो जो दूसरी बड़ी वाली साइकिल नहीं होती है, वो वाली साइकिल होती थी, उसके कोई भी ब्रेक्स वगैरह कुछ नहीं होते थे। मैं और मेरा कज़न, हम उठाते हैं साइकिल को, ऊपर रोड में लेके जाते हैं। अब वो एक तो सिंगल रोड, ऊपर से डाउनहिल की साइड ही हमें जाने का मज़ा आ रहा था। डाउनहिल हमने ली साइकिल, थोड़े से ही दूर गए हम और आगे देखा एक ट्रक आ रहा है और काफी स्पीड उस साइकिल ने पकड़ ली, हमारे पांव वगैरह नीचे नहीं लगते थे। अब जब ट्रक पास आ गया तो मेरे कजन ने मेरे को बताया कि अहमद सामने से ट्रक आ रहा है, ब्रेक मार कुछ कर। अब मैं ब्रेक मारने लगा तो ब्रेक कुछ है ही नहीं, ब्रेक वगैरह कुछ लग ही नहीं रही है। और आखिर कभी ट्रक के बिल्कुल पास आके कभी राइट लेफ्ट करके सीधा नाली में जाके गिराई साइकिल को, और दोनों बचे, वरना हो गया था काम। और यहाँ पे गन्ने का जूस मिल रहा, गन्ने का जूस पीते हैं। चलो जी, गन्ने का जूस वगैरह तो मिल गया। और यहाँ पे हमारी साइकिल, गन्ने का जूस पी के अलग ही मज़ा आ रहा है, सुकून मिल रहा है भाई। इतनी मेहनत की है अभी, इतना साइकिलिंग की है। एक मिनट देखता हूँ, पी के देखता हूँ कितने किलोमीटर चला चुका हूँ। गन्ने का जूस हो गया है, ऊपर से शाम भी पड़ने लगी है। और कहते भी हैं यार, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो 20 to 30 मिनट्स की ड्यूरेशन पे, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी ड्रिंक्स या कोई चीज़ खानी चाहिए एनर्जी के लिए, ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं साइकिलिंग वाले, वो ऐसा कहते हैं। बाकी अभी चलते हैं वापस, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया अभी तक कितना किलोमीटर्स हुए। अब वॉच मेरी उसी हाथ में है जिस हाथ में मेरा कैमरा है, तो अभी बता नहीं सकता हूँ। अभी मन कर रहा है थोड़ा सा और जल्दी आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी आता तो उस टाइम धूप थी, गर्मी ज़्यादा थी। लेकिन इस रोड को जितना इंजॉय करोगे उतना ही कम होता है। सरप्राइजिंगली 10 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुके हैं और अभी 4-5 किलोमीटर हॉस्टल तक रास्ता बच रहा है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा भाई, आज मैं बड़ी स्लो साइकिलिंग की है, और ये जो शाम पड़ रही है ना, ये ना अभी पड़ती, थोड़ी सी और कर लेते साइकिलिंग, अच्छा मज़ा आ जाता, दिमाग फ्रेश हो जाता है। अराउंड 15 किलोमीटर्स का मैंने आज साइकिलिंग किया और अभी मैं वापस हॉस्टल आ गया हूँ। और आज की वीडियो बस यहाँ तक ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और अगर नहीं भी करना है बाद में कर लेना, कोई आग नहीं लगी हुई है। अल्लाह हाफिज़।